महाभारत के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी समस्या को दूर किया और दुनिया को गीता का उपदेश मिला। सोचिए अर्जुन की नाव को पार लगाने वाले कृष्ण की अनुकंपा आप पर हो जाए तो क्या कहना। तो गीता जयंती के खास मौके पर कन्हैया को प्रसन्न करने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र की दो माला का जाप करें। इसको करने से श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख से श्री कृष्ण का अभिषेक करने से घर में रोग का नाश होता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जिनके पास धन नहीं रुकता या फिर आर्थिक समस्या बनी रहती है, शुक्रवार की रात 12 बजे अकेले में लाल कपड़े पहनकर बैठ जाएं। अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को रखकर तेल का दीपक जलाएं। हर कौड़ी को सिंदूर में रंग कर रख लें। उसके बाद हकीक की माला से ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट मंत्र की 5 माला का जाप करें। जाप पूरा करने के बाद पूजा में रखी कौड़ियों को पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से पैसा रुकने लगता है, आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। पूजा करते समय मंदिर में कुछ पैसे रखें। पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हर वीरवार को पूजा करने के बाद पीला अनाज दान करने से हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन लोगों के जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, वो लोग कृष्ण शरणम मम मंत्र का लगातार जाप करें। घर पर आए दिन कोई बीमार रहता है या फिर अशांति का माहौल बना रहता है, तो आप क्लीम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार यानी कि एक माला का करें तो लाभ होगा। महिलाएं अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए ओम ऐं श्रीं क्लीं प्रण वल्लभाय सौ सौभाग्यदाय श्री कृष्ण स्वाहा मंत्र की कम से कम 51 माला का जाप करें। आपके साथ साथ आपके घर का सौभाग्य भी मजबूत होगा। चलिए जानते हैं आज की खास आस्तिक। क्योंकि श्री कृष्ण की बात थी और हमने शुरुआत बांसुरी से करी, तो चलिए बांसुरी की एक खास टिप आपको देते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच अगर बनती नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो आप छोटी सी एक फोटो हस्बैंड वाइफ की साउथ वेस्ट कोने में लगाएं। वहीं पर दो बांसुरी उनके पास में लगा दें, जैसे ये हस्बैंड वाइफ की फोटो और दो बांसुरी ऐसे हों जो उनकी तरफ यानी कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रही हो, जो म्यूजिक बजने वाली जगह है वो फोटो की तरफ पॉइंट कर रही हो। ऐसा करने पर दोनों के बीच मधुर रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, वो आपकी जिंदगी में भी काम आएंगे। आपको मैं गीता से जुड़े कुछ आसान सूत्र बता रही हूँ। सबसे पहली बात, गुस्से पर काबू करना क्यों जरूरी है? आखिर क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि खराब होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अब देखने के नजरिए को समझिए। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। मन का नियंत्रण क्या है? जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुद का आकलन कैसे लगाएं? आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, इससे अनुशासित रहोगे। खुद का निर्माण कैसे करें? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आइए जानते हैं छठा सूत्र। हर काम का फल मिलता है, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना कुछ व्यर्थ होता है। आप जो करते हैं आपको उसका फल जरूर मिलता है। प्रैक्टिस जरूरी है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस से इसे वश में किया जा सकता है। विश्वास के साथ विचार करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो विश्वास के साथ जो पाना चाहता है लगातार उसके बारे में सोचे। तनाव दूर करना है। कोई भी ऐसा काम जिससे तनाव हो उससे हमेशा दूर रहें। अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। इस तरह करें काम। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। काम में ढूंढे खुशी। जब वो अपने काम में आनंद लोग खोज लेते हैं, जब लोग अपने काम में इंटरेस्ट खोज लेते हैं तो हर चीज में पूर्णता मिल जाती है।